हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, सुबह का जो वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे। वो वीडियो बहुत लेंदी भी हो रहा था, तो मैं उसका आगे के क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस हैं उस पर ये वीडियो बना रही हूँ। जो लोग ने सुबह का पार्ट ना देखा हो वो सुबह का पार्ट ज़रूर देखें। और चलिए, अच्छा है, कल की कमी पूरी हो गई। कल वीडियो नहीं बनाया था तो आज दो वीडियो हो गए। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि किसी ने मुझसे मुझ पूछा कि मैम ध्यान कैसे करें। हालांकि ध्यान पे मैंने कई बार बताया है, लाइव स्ट्रीम में बताया है। चलिए आज आपको थोड़ा सा नई टेक्निक के साथ ध्यान बताती हूँ, क्योंकि ध्यान ही तो इस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आप लोगों को पता है कि भस्त्रिका प्राणायाम करना क्या होता है। तो अगर आप लोग शॉर्टकट में ध्यान करना चाहते हैं और बेस्ट वे ऑफ ध्यान करना चाहते हैं, तो आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम के 300 स्ट्रोक कर लीजिए, ठीक है। और वो भी भस्त्रिका प्राणायाम जो हम लोग हाथ ऊपर उठा के करते हैं ना, जब इनहेल करते हैं तो ऊपर की तरफ हाथ, फिर कंधे की तरफ, ऊपर से कंधे तक, कंधे से ऊपर, ऊपर से कंधे तक जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, बिल्कुल भस्त्रिका प्राणायाम में। अगर आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो किसी लाइव स्ट्रीम में आके मैं दिखा दूँगी आपको, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के 300 स्ट्रोक करने के बाद बिल्कुल आप लोग थर्ड आई पे देखते हुए शांत बैठ जाइए। बिल्कुल इतना बढ़िया ध्यान आपका होगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई विचार ही नहीं आते, 300 स्ट्रोक करने के बाद जो विचार ऑफ एंड ऑन आते जाते हैं वो आना ही, वो ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ध्यान होता है, तो इस प्रकार से करिए। ये ध्यान बहुत ही पावरफुल होता है और इस जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। देन हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जिन लोगों के रियूनियन बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब हैं, क्योंकि मुझे मेल्स में आप लोगों के बहुत लोग के रियूनियन मैडम हमारे हो गए हैं या अबाउट टू होने ही वाले हैं, आते हैं, तो अब हम क्या करें। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ का गाइडेंस दूंगी कि देखिए, जब आपको लगता है कि आपका पर्सन अब आपसे नॉर्मली बात करने लगा है या थोड़ा सा आप पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो उनसे बजाय रोमांटिक बातें करने के इस वक्त, ठीक है, हमको उनको गाइड करना चाहिए कि आप चक्रास करिए, ठीक है, या आप मेडिटेशन करिए, आपको उसके फ़ायदे होंगे। क्योंकि ये बात सच है कि चक्रास जो है ये हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है, एंड नो डाउट हमें बहुत सारे गिफ्ट्स, क्योंकि हर चक्रा अगर हील होगा और हर चक्रा जिस भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस चीज़ के बेनिफिट्स तो हमें मिलने ही हैं, ठीक है। तो चक्रास करने के लिए, मेडिटेशन बोलने के लिए अपने पर्सन को आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और हमको धीमे धीमे अपनी ही बातचीत में डिवाइन के पर्पस को कि चलो हम लोग मिलके ये काम करते हैं या हमें ये सेवा कार्य करना चाहिए या अच्छा काम करना चाहिए, और तो इस प्रकार से आप बात करेंगे तो ये तो यूनिवर्स कितना खुश होगा आपसे कि आप एक्चुअली में इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हो। ये जर्नी को सिर्फ आप अकेले रोमांटिक या रोमांस के लिए नहीं ले रहे हो, और सीधी बात है कि जिस पर्सन ने आपको इतने दिनों के बाद आपकी लाइफ में वो लौट के आ रहा है, तो उसकी नज़रों में आपकी कितनी अहमियत बढ़ जाएगी जब आप ऐसी बातें करेंगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस मैं अपने सेशन में भी देती हूँ और ये मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि डीएनए हमारा चेंज हो रहा है कैसे हम समझेंगे। तो देखिए, अगर आप 528 मेगाहर्ट्ज का डीएनए हीलिंग करते हैं और उस या आप ये चक्रास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं इस सर बिकॉज ऑफ योर डीएनए चेंजिंग, राइट। ऐसे मान लीजिए, अब आपको गरीबों को देख के आप उनको है ना एकदम से आगे बढ़ो नहीं बोलते आप, उनको 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 मर्सी, आपको उनके लिए प्यार होता है, आप उनके को कुछ दान करते हो या आप उनको दुआ देते हो, या आप पेड़ों को, पेड़ों से, नेचर से प्यार करने लगे हो, आप फूलों को आप तोड़ते नहीं हो, आपकी सोच ये हो गई कि फूल जितना खूबसूरत मेरे हाथों में लगेगा उससे ज़्यादा खूबसूरत वो वहाँ पेड़ पर लगा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। मतलब आपको हर जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनसे आपको एक मर्सी होगी, एक उसके लिए प्यार और दया होगी, या आप जब ऑटोमेटिकली गॉसिप्स वगैरह करना बंद कर देंगे या किसी की बुराई भलाई करना बंद कर देंगे, यहाँ की वहाँ करना बंद कर देंगे, जज करना बंद कर देंगे, और आप अपने जब प्योरेस्ट वर्जन में आप आने लग जाओगे, ठीक है, सबके लिए दया, प्यार, भलाई, ठीक है, और कोई भी
कोई भी ट्रैप के ऊपर ना कोई वो कोई शैडो साइड ही नहीं होगा, बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट हो गए, आप जो हो बस वही हम हैं, ठीक है। मैं दान भी कर रही हूँ तो बिना दिखाए, बिना बताए, बिना जताए, छुप के दान कर रहे हैं हम पब्लिक में शो नहीं कर रहे हैं कि हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं। जैसे जैसे ये चेंजेस आपके अंदर आते जाएंगे, इट्स सेल्फ चेंजिंग योर DNA, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पिछले ही वीडियो में आज के मुझसे किसी ने पूछा कि मैम जबरदस्ती डिवाइन से प्यार कैसे कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था और बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ उनको आंसर लिखा कि जब आपकी मुसीबत में जब आप होते हैं तो आप जिसको याद करते हैं आप उससे प्यार करिए, और क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन को सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बस सच है कि इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है कि जिसको हमने देखा नहीं है हम उससे प्यार कैसे करें। इंसान हमेशा लॉजिकल माइंड यूज़ करता है कि हमने अपने DM को देखा है, वो खूबसूरत है, उसकी बातें अच्छी हैं, तो हम उसको प्यार करेंगे, लेकिन जिसको हमने देखा ही नहीं है उससे कैसे प्यार करें। लेकिन इसीलिए इंसान के मन में सवाल आता है कि हम डिवाइन से ज़बरदस्ती कैसे प्यार करें। तो उसका बस तरीका यही होता है दोस्तों कि आप जब मुसीबत में आप होते हो तब आप सबसे ज़्यादा सबसे पहले जिसको याद करते हो बस वही आपका यूनिवर्स है, और उसी को आपको प्यार करना, क्योंकि उस वक्त आपने उसी को याद किया है। जब आप मुसीबत में होते तब ना आपका DM काम आता है, ना आपके घर के रिश्तेदार काम आते हैं, ना आपके दोस्त सोसाइटी कोई काम नहीं आती, तब सिर्फ वही एक परमेश्वर परमात्मा खुदाबन आप जो भी नाम दें परम सत्ता जो आपके उस वक्त काम आती है, तो उससे तो प्यार करना बनता है ना, ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ शेयर इसलिए करिए क्योंकि अगर ज़रूरतमंद लोगों को जिनके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, अगर ये वीडियो शेयर करना भी एक लाइट वर्क है, किसी की मदद करना भी एक लाइट वर्क है, तो प्लीज़ किसी ऐसे लोग जिनके मन में ऐसे सेम सवाल उठते हैं और उनको आंसर नहीं मिल रहा हो, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करिए, ठीक है। God bless all of you.